Hi friends, this is Shantanu. ये चैनल पे मैं पहली बार आया हूँ. कुछ ज़्यादा फॉर्मल नहीं हूँ मैं, फॉर्मेलिटीज आता भी नहीं है. एक चीज़ है, आज दिमाग में आया है तो मैं दोस्त को बोला कि चलो आज मैं ही कुछ शेयर कर देता हूँ. बात कुछ ऐसा है कि अगर इंसान अपने दिल में ठान लेता है कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, जो उसको चाहिए बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, तो किसी भी हाल पे, किसी भी सरकमस्टेंसेस पे वो उसको अचीव कर सकते हैं. बस ये क्या है कि विल पावर होना चाहिए, उतना सोच होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, कैसे भी करना है. तो इस बारे में मुझे आज एक कहानी याद आ रहा है. बहुत दिन पहले सुना था ये कहानी, पता नहीं मेरा नाना या दादी कोई भी होगा सुनाए थे मुझे. बट कहानी कुछ ऐसा था कि वो मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्राइक कर गया कि आज भी कभी कभी मैं जब परेशानी में आता हूँ, तकलीफ़ में आता हूँ, तो वो चीज़ को सोचता हूँ. और टू से वेरी फ्रैंकली, जब मैं उसे सोचता हूँ तो मुझे लगता है सो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा जाऊँगा नहीं आगे, कहानी बढ़ाने से बढ़ जाता है. वैसे YouTube चैनल में कहानी बढ़ेगा तो कुछ ख़राब नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे दोस्त का यूट्यूब चैनल आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूँ. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. सो स्टोरी इज लाइक दैट, में किसी एक गांव में एक किसान रहता था. किसान का काफ़ी उम्र हो चुका था और उसके खेती के काम में उसका लड़का जो है उसका हाथ बटाता था. ज़मीन तो काफ़ी थे, अपना खुशहाली में चल रहा था उन लोगों का. तो कुछ कारण वजह से उसका जो लड़का था, जो बेसिकली काम करता था, क्योंकि उसका पापा बूढ़ा हो चुका था, उतना काम तो वो कर नहीं सकता था, जितना भी है लड़के को हेल्प कर सकता, लेकिन मेन काम जो है वो लड़का ही करता था. तो कोई भी कारण, कोई भी सरकमस्टेंस में वो किसी केस में फंस गया. और वो ऐसा फंसा, पता नहीं सही में गलती किया था कि नहीं, वो मुझे आके पर्सनली बताया नहीं था. फिर भी आखिरी में उसका जेल ही हो गया, वो जेल चले गए. और उसका लाइफस्टाइल जो था वो खेती के बेस में ही था. खेती करते थे, पैसा आता था तो ही उन लोगों का मतलब गुजारा होता था. इसी हालत में जब वो गरीब बूढ़ा किसान का लड़का जेल चला गया तो किसान बड़ा परेशान हो गया. जो भी अनाज था, दाना था, वो लोग तो बाज़ार में बेच दिए. बेचने के बाद ऐसा समय आया कि फिर से खेती करना था. अभी उसका जवान हट्टा कट्टा लड़का जो था वो जेल में, वो कुछ कर नहीं पाए. अभी वो बूढ़ा बहुत दुखी हो गए, बहुत सोचने लगे कि कैसे करें, अभी खेती कैसे करेंगे, मेरा लड़का नहीं है, मुझे हेल्प कौन करेगा. ऐसा सोचते सोचते वो किया क्या, जेल में उसके लड़के को एक चिट्ठी लिखा. चिट्ठी में कुछ ऐसा ही लिखा था कि देखो बेटा, तुम तो जेल में हो और अपना इतना सारा खेती है और मेरे पास तो उतना ताकत नहीं है कि मैं अपना खेती को जो तू उसका खुदाई करूँ, ये करूँ, मतलब खेती वाला जो काम होता है काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, तो मेरे पास तो उतना ताकत नहीं है कि मैं वो काम कर लूँ. तो अभी हम क्या करें, हमारे पास पैसा जो था वो ख़त्म हो चुका है, हमारे पास जो अनाज था वो भी काफ़ी हद तक बिक गए, और इस बार हम खेती नहीं करेंगे तो अगले साल हम लोग कैसे
जिएंगे कैसे, खाना खाएंगे कैसे, सब कुछ चलेगा, ऐसा कुछ लिख के वो अपने लड़के को चिट्ठी भेजा। लड़के ने चिट्ठी पढ़ा और समझा कि हाँ सही में अगर खेती बाड़ी ही नहीं लोगा तो मैं तो जेल में हूँ लेकिन मेरे पापा का क्या होगा। फिर उसने जेल से उसके पापा को एक चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख दिया और वो चिट्ठी वो घर भेज दिया। अभी क्योंकि जेल से एक चिट्ठी उसके बाप के पापा के पास भेजा तो शायद जेल वाले वो सब क्या बोलते उसको देख लिया होगा या ट्रैक किया होगा कि सिक्योरिटी पर्पस या क्या लेटर जा रहा है क्या जा रहा है। तो जैसे उसके पापा को लेटर मिला, वो लेटर पढ़ा, पढ़ने के बाद अगले दिन सुबह बहुत सारे पुलिस वाले आ गए उसके घर के सामने। उसका पापा कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है ये। तो पुलिस वाले उसको बोला कि हम आपके जितना भी ज़मीन है उसमें छानबीन करेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, वहाँ पे कुछ सामान है जो हमको निकालना है। और पुलिस वाले क्या ही किया, अपने आदमियों से पूरा का पूरा ज़मीन खोद दिया। मतलब जैसे होता है ना ज़मीन में अगर ट्रेजर जैसे ट्रेजर छुपा है वैसे पूरा का पूरा ज़मीन खोद दिया। खोदने के बाद इतना सारा खोदने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। फिर वो लोग चले गए, कुछ तो मिला नहीं है। फिर उसका पापा सोच रहा है क्या हो गया। फिर उस पापा ने उसको एक चिट्ठी लिखा कि पुलिस वाला आया सारा ज़मीन खोद दिया। फिर वो चिट्ठी में लिखा, पापा मैं आपके नाम पे एक चिट्ठी लिखा था और उसमें लिखा था कि हम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ज़मीन के नीचे हम बहुत सारा ट्रेजर छुपा के रखे हैं और वो मतलब अगर आप तकलीफ करके उसको खोद देंगे तो वो पूरा ट्रेजर आपको मिल जाएगा, कोई आगे कोई परेशानी नहीं होगी, आगे कोई परेशानी नहीं होगी और आप आराम से उसको बेच के अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और पुलिस वाला वो पढ़ लिया और ट्रेजर खोजने के लिए वो लोग आ गए, पूरा ज़मीन खोद दिया। अभी ऐसा ज़मीन खोदा, ऐसा ज़मीन खोदा कि वहाँ पे आराम से अनाज फलाने के क्या बोलते हैं उसको उगाने के लिए हाँ अनाज उगाने के लिए अच्छा खासा सब खुदाई हो गई। फिर उसके पापा ने अपना बाकी जो ताकत था वो उसमें बुनाई बुनाई करके जो भी करके अपना अपना ये चाज वाज जो है वो कर लिया, खेती वगैरह जो है वो कर लिया। सो बात यही है कि आप बहुत दूर हो, आपको शायद कुछ करना है, आप चाहते हो करने के लिए पर सरकमस्टेंसेस आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपको मतलब आप वहाँ जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ आपके पास दिमाग है, आपके पास अगर सही सोच है, अगर आप सोच सकते हो कि हाँ मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ, कोई भी रास्ता सोच के अगर आप आगे बढ़ते हो तो कोई भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आराम से आसान हो जाता है। तो आगे से जो भी है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा कहानी पिंच कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जेल में जाना है या आपको जेल से चिट्ठी लिखना है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ बस एग्जांपल या सोच लेने हैं आपको कि इतना परेशानी में रह के जेल में रह के वो बंदा इतना कुछ कर सकता है तो आप तो फ्री हो और आप अगर सही सोच अगर सही काम के लिए सही सोचते हो और अगर आप सही दिल से चाहते हो कि हो मतलब जैसे वो लड़का सोचता था कि अपना पापा का कुछ हो, उसको उगाए वहाँ पे फसल उगाए, उसके पास पैसा हो, तो वो अपना तरीका अपना लिया। बात होता है ना कि अगर घी सीधे अंगूठे से नहीं निकलते तो उसको टेढ़ा कर लेना, थोड़ा सा टेढ़ा। वो लड़का क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, अभी क्या हुआ अपना काम पूरा ख़त्म। ऊपर से पैसा भी नहीं चाहिए, ऊपर से पैसा भी नहीं लगा, जो अगर लेबर लगाते थे तो उसको कितना पैसा जाता था, तो वो भी नहीं हुआ। तो यही बात है,
बस सोचना है सही तरीके से और अपने सोच को अंजाम देने के लिए सही रास्ता ढूंढ लेना है। अगर ऐसा कर सकते हो आप, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। बस सोच और... के रुक नहीं जाने हैं, सोच के अगर रुक गए तो काम खत्म, वहीं पे कहानी खत्म। सोचिए और उसको आगे करते जाइए। और हमारे सोच को आगे बढ़ाने के लिए भी आपके लिए हमारा एक टिप है, ये जो कहानी है ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों से करें, अपने भाई से करें, अपने इससे करें। अगर शायद कोई भी किसी का भी कोई प्रॉब्लम कहीं से आता है और वो इसको सोचता है तो शायद कुछ ना कुछ हल निकल, उसको भी हल निकल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हैं आपके साथ, मिलेंगे फिर। यही आशा के साथ आज के लिए ख़त्म कर रहा हूँ कि आप ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों के साथ में थे हमारे शांतनु जी, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करके हम अपने चैनल पे बुलाए कि सर अपना कुछ मूल्यवान जो शब्द है दो शब्द कह दीजिए, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को कुछ हेल्प हो सके, कुछ मदद हो सके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ आसानी हो। तो ऐसे ही कैजुअली बना लिए कि उनका ज़्यादा फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, कि भाई लाइफ को बिल्कुल सिंपली जियो, ज़्यादा फॉर्मल करके जियोगे तो परेशानी बढ़ते जाएगा। तो फॉर्मेलिटी को थोड़ा साइड में रख के आराम से चलिए आगे और लाइफ का मज़ा लीजिए। इनका कहना यही है, मुझे बहुत पसंद है आदमी, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। आगे से आप लोगों को मिलेंगे कभी कभार, कोशिश करेंगे कि हमेशा इनको लाए आप लोगों के सामने। पर हाँ, एक शर्त है, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय।